दोस्तों आपने कभी ना कभी ये ड्रिल मशीन वाला जादू देखा ही होगा और उसके साथ साथ ये आदमी को जो बीच से काट देते जादूगर, ये वाले जादू को भी तो आपने देखा ही होगा। और सबसे कमाल का जादू ये ब्लेड वाला, जो कि आदमी अपने मुंह में ले लेता है और बाद में अपने मुंह से ही निकाल के सबको दिखाता है। लेकिन दोस्तों ये आपको भी मालूम है कि ये जादू असली नहीं होता, ये सिर्फ एक हाथों का कला होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रिवील करूंगा इन सारे जादूगर का बिहाइंड द सीन, यानी कि वो कैसे इस जादू को परफेक्टली कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देख के आपको ये पता चल जाएगा कि जादू फेक होता है या फिर रियल होता है, कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जो रेजर ब्लेड होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि अगर हम उसे अच्छे से इस्तेमाल ना करें तो आप जानते ही हो कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन जापान के एक जादूगर टेम्पा कुछ ऐसा जादू दिखाते हैं जिसे देख के आप चौंक जाओगे, और मुझे यकीन है आपने ये जादू कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। टेम्पा जब स्टेज पे आते हैं तो वो सबसे पहले जजेस को एक ब्लेड देते हैं जिससे जज बता सके कि वो असली ब्लेड है या नहीं। और जब जजेस कुछ चीजें कर ये पता करते हैं कि ये ब्लेड असली है नहीं, तब टेम्पा अपने जादू को स्टार्ट करते हैं। टेम्पा सबसे पहले जजेस से ब्लेड लेके अपने मुंह में डाल लेते हैं, और टेम्पा के पास ऐसे कई सारे ब्लेड थे जिन्हें वो लगातार मुंह में अपने डालते ही रहते हैं। और ऑडियंस को यकीन दिलाने के लिए ब्लेड के बाद वो जूस भी पीने लगते हैं, जिससे सबको यकीन हो जाए कि वो ब्लेड निगलने के लिए वो जूस पी रहे हैं। फिर कुछ ही टाइम बाद वो अपने मुंह में धागे को डालते हैं और उसी के जस्ट बाद वो धीरे धीरे धागे के सहारे पूरे ब्लेड को निकालते हैं अपने मुंह से, और फिर कुछ ही टाइम बाद धागे के सहारे वो सारे ब्लेड को अपने मुंह से निकालते हैं। दोस्तों ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस ट्रिक का राज क्या है। वैसे दोस्तों ये ट्रिक काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन टेम्पा ने इसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है इसलिए वो इसे आसानी से कर ले रहे। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेम्पा कभी भी ब्लेड को निगलते नहीं है, वो हमेशा अपने मुंह में कहीं ना कहीं ब्लेड छुपा देते हैं, और जब वो जूस पीते हैं वही जूस वाले ग्लास में वो सारे के सारे ब्लेड को निकाल देते हैं, और जूस में कलर के होने की वजह से वो सारे ब्लेड हमें नहीं दिखते। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस ग्लास को गौर से देखिए, आपको मेरी बातों पे यकीन हो जाएगा। फिर भी आप लेकिन सोचते होंगे कि जब सारे ब्लेड थूक दिए तो टेम्पा के मुंह से ये धागे से बने ब्लेड कहां से निकल रहे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया है। इन्होंने स्टेज पे आने से पहले ही अपने मुंह में एक बॉक्स छुपा के रखा था जिसमें ब्लेड और धागे दोनों थे, और फिर क्या था, जब वो अपने मुंह से वो ब्लेड निकालने लगे तो वो आराम से निकलने लगा। दोस्तों आपने ऐसे कई जादूगर को देखा होगा जो इंसान को बीचों बीच से काट देते हैं, तो दोस्तों इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं ये वाले टॉपिक को भी लेके आया हूं, जहां पर जादूगर जिनका नाम केविन था वो अमेरिका से थे और वो स्टेज पे एक आदमी को आधा काट देते हैं और सभी को ये भी प्रूफ करके दिखाते हैं कि वो इस आदमी को जोड़ के भी दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इनके जादू को कि इन्होंने क्या किया सबके सामने। दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए, इन्होंने अपने असिस्टेंट को बीच में से काट दिया और बीच में से काटने के बावजूद भी उसके हाथ और बाकी के बॉडी पार्ट्स भी हिल रहे थे, और सारे के सारे ऑडियंस को ये भरोसा हो इसीलिए वो उसके बीच से अपने हाथ को भी निकालते हुए दिखाते हैं। और कुछ ही टाइम बाद वो अपने पॉकेट से एक स्पेशल टूल निकालते हैं और उस स्पेशल टूल से उस आदमी को जोड़ देते हैं, और उसके बाद था क्या, वो आदमी कूदने चलने और दौड़ने लगता है। दोस्तों ये जादू देखने में सारे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि दोस्तों ये जादूगर ने काफी ज्यादा कमाल के तरीके से किया है, क्योंकि दोस्तों जादूगर ने शुरुआत में किसी को काटा और आखिरी में जोड़ दिया, ये काफी ज्यादा अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसने किसी भी आदमी को ऐसा नहीं काटा था, तो इसीलिए अब हम इस जादू का रिवील देखते हैं कि इसने कैसे इतने आसानी से किया। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि हर जादू के पीछे एक ट्रिक होती है, और इसने भी वही ट्रिक को आजमाया है, जिसमें इस जादूगर ने जो पहले असिस्टेंट दिखाया है वो एक टॉर्सो है, टॉर्सो यानी कि जिसका आधा शरीर होता है, एक इंसान है जिसका कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। और जब जादूगर ने अपने असिस्टेंट को काटा तो असिस्टेंट कुछ इस तरीके से गिरता है कि सबको यकीन हो जाता है कि ये असलियत में आदमी को काटा गया है, और फिर उसे दूसरे टेबल पे रखकर उसके साथ एक नकली पैर रख दिए जाते हैं। और जब केविन अपने स्पेशल टूल को निकालते हैं उसी समय इस आदमी को एक पर्दे के पीछे लेके जाया जाता है, तो आप सोच सकते हो इस जादू में इनको पर्दे के पीछे जाने की क्या जरूरत थी, जो भी करना है वो सबके सामने भी तो कर सकते हैं, जिससे सबको आपके ऊपर काफी अच्छे से भरोसा हो सके। लेकिन दोस्तों जब पर्दे से एक दूसरे आदमी को लेके आया जाता है तो वो आदमी कुछ इस तरीके से बैठा रहता है जैसे कि पहले वाला आदमी ही बैठा है, और जब केविन उस आदमी को जोड़ते हैं तो वो आदमी केविन के साथ उठ के चलने और दौड़ने लगता है, और तभी उस जादू को सभी लोग देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप गौर से देखोगे, जो पहले वाला आदमी था जो कि जिसका नीचे वाला पार्ट बिल्कुल नहीं था, उसका बॉडी बहुत कमजोर था, और जो बाद में आया उसका बॉडी आप देख ही सकते हो कि कितना फूला हुआ है, और मांस होने के कारण कोई भी नहीं पहचान सका कि ये दूसरा आदमी आया था। तो दोस्तों ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऐसे जादू की तरफ जिसे सब देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक खतरनाक होने के साथ साथ देखने वाले को एक अलग नजरिए में भी डाल देती है। क्योंकि आप देख सकते हो एक आदमी अपने सर पे कैसे एक ड्रिल मशीन चला रहा है, लेकिन फिर भी उसके सर पे एक छोटी सी भी खरोच नहीं आती, मानो कि उसकी बॉडी स्टील की बनी हो और उस ड्रिल से कोई भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जादूगर इस जादू को काफी केयरफुली और काफी प्रैक्टिस के बाद इस जादू को परफॉर्म करता है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जादूगर जो ड्रिल मशीन को यूज करता है वो काफी ज्यादा अलग तरीके की ड्रिल मशीन होती है। जैसे कि नॉर्मल ड्रिल मशीन होती है उसका आगे का हिस्सा नोखीला होता है, लेकिन दोस्तों ये वाले ड्रिल का हिस्सा आप देख ही सकते हो कैसे प्लेन टाइप में है, जिससे ये ड्रिल ये आदमी के सर में ना छुपे। लेकिन हाँ, अगर मैजिशियन बहुत ज्यादा ही जोर से अगर इसे ये यूज करेगा तो ये जरूर इसके सिर से बाहर निकल सकती है।
होती है। लेकिन दोस्तों ऐसे उसे मजिशियन नहीं कहा जाता है, इसीलिए वो सिर्फ हल्के हाथों से ही उसे यूज करता है। और सभी को यही लगता है कि उसका सिर कुछ ज्यादा स्ट्रांग है और उसने काफी ज्यादा मेहनत किया है। लेकिन दोस्तों आज तो आपको मालूम ही हो गया रहेगा कि ये जादूगर कैसे इस जादू को परफॉर्म करता है। तो दोस्तों अब हम उस जादू के बारे में बात करते हैं जहाँ पर एक जादूगर स्क्रीन से एक नहीं दो दो लड़कियां निकालता है। लेकिन दोस्तों इस जादू में सिर्फ यही ट्रिक नहीं है, जादूगर स्क्रीन में एक बलून को डाल देते हैं और उसके बाद स्क्रीन से दो अलग अलग छतरी भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जादूगर इस जादू को कैसे परफॉर्म करता है चलिए ये देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं इस स्क्रीन पे जो भी कुछ चल रहा है वो पहले से ही रिकॉर्ड करके लेके आया जाता है और फिर वो सबके सामने वो रिकॉर्डेड वीडियो चलाया जाता है और फिर ये सबके सामने उस रिकॉर्डेड वीडियो में कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो सब लोग चौंक जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये स्क्रीन में किस तरीके से बलून डाल देते हैं कि सभी लोग देख के चौंक ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी काफी अच्छा ट्रिक यूज किया गया और आप देख के एकदम चौंक जाओगे। दोस्तों जैसे कि आप एकदम ध्यान से देखिए इस वीडियो को जहां पर आपको देखने के बाद ये पता चलता है जादूगर बलून को सिर्फ स्क्रीन के पास लेके जाके फोड़ देता है और उसी समय स्क्रीन पे बलून को दिखाया भी जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर करोगे तो वो फूटा हुआ बलून आपको स्क्रीन के नीचे गिरा हुआ दिखता ही होगा, लेकिन दूर बैठे लोगों को ये चीज दिखाई नहीं देती और वो इसे जादू समझ लेते हैं। अब अगर हम उस स्क्रीन से निकली हुई छतरी के बारे में बात करें तो अगर आप उस वीडियो को एकदम ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो छतरी जो कि उनके हाथ में पहले से ही थी, जो कि जादूगर ने काफी चलाकी और काफी तेजी से उन्होंने अपने हाथों से निकाली। और अगर हम वहाँ पर बैठ के देखते हैं तो हम चाहे जितने भी ध्यान से देखें तो हमें वहाँ पर पता नहीं चलता, लेकिन आप इस वीडियो में स्लो मोशन में देख ही सकते हो कि इन्होंने कैसे इस जादू को परफॉर्म किया। लेकिन दोस्तों अब बात आती है सबसे मेन पॉइंट की, जहाँ पर इन्होंने लड़कियों को स्क्रीन से बाहर निकाला और वो भी एक लड़की नहीं दो दो लड़कियों को। और ये वाले जादू के ट्रिक को देख के आप एकदम हंसने लगोगे क्योंकि जब जादूगर एक बड़ा सा कपड़ा स्क्रीन के सामने लेके आता है तो जैसे कि आप देख सकते हो उस कपड़े के जरिए दोनों लड़कियां स्टेज पे आ जाती है और फिर जैसे ही जादूगर उस कपड़े को अचानक से ऊपर करता है तो एक लड़की अचानक से वहां पर खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो उन जादूगरों ने पूरी तरह कपड़ा तो हटाया ही नहीं है, इसीलिए एक लड़की उस कपड़े के पीछे अभी भी खड़ी रहती है। लेकिन आप कुछ भी कहिए उन जादूगरों ने काफी अच्छा कोशिश किया वो पीछे वाली लड़की को छुपाने के लिए, लेकिन जैसे कि आप हमारे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि वो दूसरी वाली लड़की का पैर आपको दिखता ही होगा। लेकिन फिर जादूगर जैसे ही वो कपड़े को हटाता है वैसे वो दोनों लड़कियां घूम कर सबके सामने आ जाती है और इसी तरीके से जादूगर अपना एक कमाल का जादू एकदम अच्छे से परफॉर्म कर देता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे मैजिक ट्रिक के खुलासे किया है हमने जिसे मुझे भरोसा है आप देख के काफी ज्यादा इंजॉय किए होंगे। और उसके साथ साथ कौन सा मैजिक ऐसा था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जैसे कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैजिक के साथ साथ हम कुछ ऐसे वीडियोस भी लाते हैं जिसे आप देखकर काफी ज्यादा इंजॉय करोगे, जैसे कि पठान, ट्रिपल आर और ऐसे कई मूवी के बिहाइंड द सीन हम लेके आते हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी लेके आते हैं जिसे आप देखकर काफी ज्यादा इंजॉय करोगे। दोस्तों अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।